नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए तो अब चर्चा कर लेते हैं सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे महादेव गेमिंग ऐप की। महादेव गेमिंग ऐप का मालिक रवि उप्पल दुबई में हिरासत में लिया गया है। रवि उप्पल के अलावा दो अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। भारतीय जांच एजेंसियों दुबई सुरक्षा एजेंसी के संपर्क में है। रवि उप्पल महादेव ऐप के मुख्य आरोपियों में से एक है। वहीं उसे गिरफ्तार कर जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। आरोपी सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वह महादेव ऐप का दूसरा प्रमोटर है। इन दोनों ने एक बयान में महादेव ऐप और सट्टेबाजी घोटाले में शामिल होने से इनकार किया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी शुभम सोनी पर डाल दी है। ईडी ने यूएई में भारतीय दूतावास से शुभम सोनी का बयान लिया है। बता दें कि दुबई में बैठे प्रमोटर्स पर 60 से ज्यादा अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए घोटाले का अंजाम देने का आरोप है। ईडी ने दावा किया है कि यह तकरीबन 6000 करोड़ का घोटाला है। इस मामले में ईडी ने 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, विकास छावरिया, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, विशाल आहूजा, नीरज आहूजा, सृजन एसोसिएट के संचालक पूना राम वर्मा और शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा, पवन पंथानी भी है। ये मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मुद्दा भी बना था। कांग्रेस और बीजेपी इस पर आमने सामने थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि इसकी जांच 2 साल से चल रही है। जब तक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक नहीं लगेगी, कुछ नहीं रुकेगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के लाखों फर्जी अकाउंट है। केंद्र सरकार को इनकी पहचान कर इन्हें बंद करना चाहिए। वहीं एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने महादेव के नाम पर भी घोटाला किया है। आज देश विदेश में महादेव घोटाले की चर्चाएं हो रही है। बीते दिनों मुंबई में क्राइम ब्रांच ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। मामला आधिकारिक तौर पर सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT गठित की गई। वहीं मामले के आरोपी असीम दास के पिता हाल ही में मौत हो गई थी। सुशील दास नाम के व्यक्ति का शव दुर्ग में एक कुएं में मिला था। सुशील दास एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का काम करता था, लेकिन 4 दिसंबर से वो लापता था। दरअसल ईडी ने 3 नवंबर को सुशील के बेटे असीम दास और कांस्टेबल भीम सिंह यादव को गिरफ्तार किया था और जांच एजेंसी ने उसके पास से 5,39,00,000 रुपए जब्त किए थे। बताया जा रहा है कि अपने बेटे के गिरफ्तार होने के बाद से वे काफी परेशान थे। असीम दास मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। ईडी सूत्रों के मुताबिक असीम दास ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया था कि जब्त की गई रकम महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता को देने की व्यवस्था की गई थी।